दोस्तों क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ट्रू कॉलर के ऊपर। ट्रू कॉलर जो है आजकल सभी यूज़ करते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके फ़ोन में ट्रू कॉलर ना हो। तो आपको पता है आपको किसी के अननोन नंबर की कॉल आती है तो आपको पता चल जाता है कि किसकी कॉल आई है, क्योंकि ट्रू कॉलर में आपको पता चल जाता है, वहाँ पर नाम आ जाता है। तो ट्रू कॉलर को लेके कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि आप नहीं जानते हैं। आज हम उन्हीं सेटिंग्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है ना जो आप नहीं जानते हैं, तो आपको आज पता चल जाएगा इन सेटिंग्स के बारे में। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज़ टेक चैनल। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं, ट्रू कॉलर के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। चलिए हम अपना जो है ट्रू कॉलर यहाँ पे ओपन कर देते हैं। ट्रू कॉलर हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, आपने थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आपने कौन सेटिंग में जाना है, आपने जाना है सेटिंग नीचे लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है ना, सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि जनरल साउंड, ऐप लैंग्वेज, कॉलर आईडी, कॉलिंग डाटा, मैसेजिंग ब्लॉक, अपीयरेंस ब्रेकअप, ठीक है, प्राइवेसी सेंटर। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे कॉलिंग वाले ऑप्शन में। चलिए हम कॉलिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। कॉलिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक यहाँ पे फीचर मिलता है जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं, वो हमारा अनाउंस कॉल। मतलब कि जब हम अनाउंस कॉल को यहाँ पे ऑन करेंगे ना, जब आपको कॉल आएगी तो आपका फ़ोन अनाउंस करेगा, आपका फ़ोन बोल देगा कि भाई इस बंदे की कॉल आ रही है। रिंग तो आपकी फ़ोन बज रही है लेकिन फ़ोन खुद बता देगा किसकी कॉल आपको आ रही है। तो ये फीचर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो सेटिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानना आपका बहुत ज़रूरी है। प्राइवेसी सेंटर, जैसे कि प्राइवेसी सेंटर ऑप्शन देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मिलता है अवेलेबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका काम क्या है, मतलब ये आपके फ़ोन में ऑन है तो इससे आपको नुकसान क्या हो रहा है और इसके आपको बेनिफिट क्या हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो अगर आपका ये ऑप्शन यहाँ पे ऑन होगा ना, तो मान लो कि आप अपने फ़ोन में एक्टिव हैं, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको किसी की मैसेज व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है लेकिन आप उसे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रू कॉलर में जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि आप जो हैं अभी फ़ोन आपके हाथ में है और आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप उस बंदे को इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है, ठीक है। वहाँ पे ग्रीन सा डॉट यहाँ पे बन जाता है कि हाँ बंदा अभी एक्टिव है, मतलब कि अपने फ़ोन में एक्टिव है। तो इसको हम बंद कर देंगे तो उसको आप जो है ऑफलाइन ही शो होंगे और वो आपकी पोल नहीं खोल पाएगा। अगर आप जो है इस तरह आप जो है किसी को भी चेक कर सकते हैं कि अभी फ़ोन किसके हाथ में है और बंदा वो अभी एक्टिव है या डीएक्टिव है, अब आपको पता चल जाएगा और ये फीचर जो है इस काम में आता है। आपने ये वाला ऑप्शन यहाँ से बंद कर देना है, फिर आपको कोई बंदा कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा कि आप जो है ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उस बंदे को पता नहीं चलेगा क्योंकि आप ऑफलाइन शो होंगे। तो ये फीचर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग फीचर है ये। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डेमो के लिए यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि प्राइवेसी सेंटर में हम जाएंगे, अवेलेबिलिटी यहाँ पे हम ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, बैक आएंगे, बैक आने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गया एक मिनट पहले, जैसे कि एक मिनट पहले ये ऑनलाइन था, ठीक है। उसके बाद यह याद नीचे आते 11 मिनट पहले, 2 घंटे पहले, 40 मिनट पहले, 56 मिनट पहले, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपका ऑप्शन ये वाला ऑन होना चाहिए, अगर आप इसे ऑफ़ करेंगे ना, ये वाला ऑप्शन आपने ऑफ़ कर दिया, तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसे ऑफ़ करता हूँ, कहाँ चला गया, हाँ इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो आप नहीं चेक कर पाएंगे किसी को कि वो ऑनलाइन है या नहीं है, और वो ना वो आपको चेक कर पाएगा। लेकिन आपको अगर चेक करना है थोड़ी देर के लिए आप ये वाला ऑप्शन ऑन कीजिए यहाँ पे और जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे ऑफ़ करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइम शो नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देते हो, आप यहाँ पे कोई भी टाइम TT यहाँ पे दिख रहा है लेकिन आपको टाइम शो नहीं हो रहा है कि कितने टाइम में वो ऑनलाइन था। तो ये फीचर बहुत ही कमाल का है। चलते हैं अब नेक्स्ट फीचर की ओर। दोस्तों अब नेक्स्ट जो लास्ट सेटिंग है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी काफ़ी मज़ेदार है और आपको कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो सेटिंग कैसी है, जैसे कि हम यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया, प्रोफाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लास्ट 30 डेज़ में आपका यहाँ पे डाटा आ जाएगा, स्पैम कॉल कितनी आई आपको, एक आई, अननोन नंबर से कॉल कितनी आई, 145 बार मेरे को अननोन नंबर से कॉल आई और 29 मिनट मैंने सेव कर लिए क्योंकि मैंने स्पैम कॉल नहीं उठाई। उसके बाद जो है 69 मैसेजेस मुझे जो हैं स्पैम कॉल से आए हैं, मतलब स्पैम मैसेज मुझे 69 स्पैम मैसेज आए हैं, ठीक है। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि आपको अननोन नंबर से कितने कॉल्स आती हैं,
आपका टाइम कितना सेव हुआ और आपकी जो स्पैम कॉल्स है वो कितनी आई हैं और मैसेज आपको कितने आए हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये था कुछ हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं आपको बताना चाहता था। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।